डिस्ट्रिक्ट डोडा में सेकंड फेज का पांचवा दिन है आज लॉकडाउन का। आपको ये भी बताते चलें, डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोग इस लॉकडाउन का भरपूर तरीके से पालन कर रहे हैं। जी हाँ, ये वही सड़कें हैं, अगर आप विजुअल्स की तरफ देखोगे ये वही सड़कें हैं जिन सड़कों पे चहल पहल होती थी, स्कूल्स के बच्चे होते थे, लोग चलते थे, मगर अगर आप आज इन सड़कों की तरफ देखोगे ये सड़कें वीरान हैं। और हाँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा के दौरान बार बार अनाउंसमेंट भी कराई जा रही है कि कृपया करके अपने अपने घरों के अंदर ही बैठिए, जब तक कोई ज़रूरी काम ना हो तब तक आप बाहर नहीं आओगे। तो अगर आप विजुअल्स की तरफ देखोगे इससे यही साबित होता है कि डोडा के लोग एडमिनिस्ट्रेशन डोडा का भरपूर साथ दे रही है। जी हाँ, और आज ठीक पांचवा दिन है इस सेकंड फेज का लॉकडाउन का, और आज भी डोडा के लोग घरों के अंदर बैठे हुए हैं। आप लोग देख रहे थे दौरत न्यूज, सद इरफान मलिक डोडा। किसी भी शख्स को बगैर इजाजत के सड़क पर घूमने की इजाजत ना है। अपने अपने घरों में बैठे रहे, लॉकडाउन बदस्तूर जारी है। तमाम शहरियों से मुहतबाना अपील की जाती है कि अपने अपने घरों में बैठे रहें, घरों से बाहर ना निकलें, लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करें। कोरोना वायरस जानलेवा बीमारी से लड़ने का वाहिद रास्ता अपने अपने घरों में बैठे रहना है। एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखना इस बीमारी से निजात पाने का वाहिद रास्ता है। लिहाजा अपने अपने घरों में बैठे रहें, घरों से बाहर ना निकलें, लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करें। लॉकडाउन बदस्तूर जारी है। अपनी जान की हिफाजत करें, अपने आयाल की हिफाजत करें। हम खुशहाल होंगे, हमारा परिवार खुशहाल होगा, इसके साथ साथ हमारा देश भी खुशहाल रहेगा। अपने अपने घरों में बैठे रहें, घरों से बाहर ना निकलें।